कैसा रहा एग्जाम? थोड़ा मस्त रहा सेट भाई। कैसा रहा? अच्छा था। लेवल कैसा था? लेवल थोड़ा मैथ कैलकुलेटिव था। मैथ पिछली बार का पेपर देखे, उसके कंपेरिजन उसी वक्त सेम ही आ रहा है ज़्यादा। वो सेम है। कितने अटेम्प्ट कर लिए? मैं ये 83। हाँ अटेम्प्ट कौन सा था आपका? मेरा ये ऑलरेडी मैं जॉब में हूँ। अच्छा, ऑलरेडी जॉब में। हाँ कौन से जॉब में? पोस्टल पोस्टल असिस्टेंट। असिस्टेंट। हाँ 2022 के थ्रू क्या इसमें एक्सरसाइज लेना है क्या? सोच रहे हैं ऐसे तो होम टाउन में ही। पेपर का पूरा एनालिसिस बताइए, कैसा रहा पेपर? सबसे पहले आप तो बता दीजिए मैथमेटिक्स के लिए। मैथमेटिक्स इजी है बट कैलकुलेटिव है। इजी बट कैलकुलेटिव। कहाँ से कैलकुलेटिव आ रहा है? अर्थमेटिक्स सेक्शन में। ये और कंसेप्ट वाइज भी बहुत सारा दिया है। कंसेप्ट वाइज भी बहुत सारा दिया है। हाँ और कैलकुलेटिव है जी। मतलब क्वेश्चन ये फंसाने को कोशिश किया जाता है स्टूडेंट को कि मतलब फंसे बस। बाकी इजी रीजनिंग इजी है। इंग्लिश भी अच्छा है। मीन्स ना इजी इजी और मॉडरेट मिलेंगे इंग्लिश को। और जीके तो एस एस सी का जानते ही हैं कोई। जीके कहाँ कहाँ से? जीके जीके का कोई हाथ उसका बारे में नहीं बता सकते हैं। जीके मतलब आपका भी कमजोर है? हाँ जीके मेरा भी कमजोर है। मैथमेटिक्स कौन कौन से टॉपिक्स हैं? मैथ्स ट्रिगो से आ रहे हैं। फिर वो जो कल क्वेश्चन याद है? रिपीटेड क्वेश्चन। याद है? हाँ जो दो दो सर्कल टच कर रहे हैं और भी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट या इनवर्स कॉमन टेंजेंट वो पूछ रहे हैं। प्लस सिंप्लीफिकेशन भी है अच्छा सा। रीजनिंग का बताइए। रीजनिंग का नंबर सिस्टम वही है। बाकी सब तो इजी ही है जैसे जैसे प्रीवियस ईयर सेम। हाँ सेम मतलब कुछ अलग नहीं कर रहे? नहीं कल का पेपर देखो, कल के कंपैरिजन में। कल का पेपर तो एनालिसिस देखे तो उसके थ्रू में मैथ्स थोड़ा कैलकुलेटिव था कल के मुकाबले आज का मैथ्स। आइए और कुछ लोगों से बात करते हैं। कैसा रहा मैम एग्जाम? अच्छा था। कितने बना लिया आप? 85। 85 बना लिया? हाँ तो ज़्यादा निगेटिव ले लिया क्या आप? नहीं निगेटिव तो नहीं लिया बट कैलकुलेटिव क्वेश्चन था बट सही था। मैथमेटिक्स कैलकुलेटिव? हाँ थोड़ा सा कैलकुलेटिव था बट इजी था। कौन कौन से टॉपिक से ज़्यादा कैलकुलेटिव पसंद दिए? ये सिंप्लीफिकेशन था, प्रॉफिट लॉस था, ये सब थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेटिव दे दिया था बस। इंग्लिश का बताइए। इंग्लिश का भी लेवल सही था, ना इजी था ना हार्ड था। प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में कैसे? क्या प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन? प्रीवियस ईयर के कंपैरिजन में थोड़ा इजी था इस बार। कल का पेपर का एनालिसिस देखेंगे वो उसके कंपैरिजन में। कल का एनालिसिस मैंने देखा नहीं थोड़ी आपने? नहीं वजह से नहीं। अच्छा पढ़ाई कहाँ से कर रहे हैं? ऑनलाइन कर रहे हो? ऑफलाइन? मैं ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ही की हूँ। ऑफलाइन जीके जीएस के लिए बताइए, एसएससी के छात्रों के लिए ये हमेशा से सरदर्द। एसएससी जीके के जीएस के लिए ऑनलाइन ही कर रही थी ज़्यादा। परमार एसएससी का क्लास। कितने जीके में कितने प्रश्न? जीके में मैंने 17 ही। कोई याद है क्वेश्चन? क्या याद है कोई? स्नेक का रेपिटाइल्स जैसे ये एफ्स मेमल से कौन सा फ्रॉग्स या रेपिटाइल्स आते हैं या फिर कौन से अवार्ड से क्वेश्चन थे, अवार्ड्स के क्वेश्चन थे कितने आए हैं बस ये सब थोड़ा बहुत। करेंट भी आ रहे हैं क्या? क्या सी ए तो ज़्यादा नहीं था। नहीं एक दो थे कि हाल में ही सी ए जी कौन बने हैं बस ये सब था और ज़्यादा सी ए नहीं था। स्टैटिक्स ज़्यादा थे। क्या रीजनिंग पुराने पैटर्न को फॉलो कर रही है या फिर कुछ? रीजनिंग तो प्रीवियस सीरीज आ रहा था, कुछ न्यू नहीं था। थैंक यू। कैसा रहा भाई? क्वेश्चन थोड़ा टफ तो था लेकिन सही था क्वेश्चन। सही था। अटेम्प्ट कौन सा था? क्या बोले? कौन सा अटेम्प्ट? हिंदी अटेम्प्ट था मेरा। क्या बोले? अटेम्प्ट कौन सा? नहीं समझ पा रहे हैं क्या? क्या समझ नहीं पा रहे? कौन सा अटेम्प्ट? कौन सा प्रयास? ये मेरा फर्स्ट अटेम्प्ट है। फर्स्ट? हाँ जी हाँ जी। पिछली बार का पेपर देखो उसके कंपेरिजन में। उसके कंपेयर में थोड़ा टफ था। कितना अटेम्प्ट कर? हम 75 अटेम्प्ट किया है। चलिए और कैसा रहा मैम एग्जाम? कैसा रहा भाई? भाई कैसा रहा एग्जाम? एग्जाम ठीक था। एक मिनट रुक जी। लेवल कैसा था? अच्छा क्वेश्चन था मतलब उतना हार्ड नहीं था। कितना अटेम्प्ट कर लिए? 78। 78 यस। अटेम्प्ट कौन सा था? सेकंड अटेम्प्ट था। सेकंड अटेम्प्ट। पहली बार में कहाँ तक पहुँचे? पहली बार में 50 था मतलब उतना जानकारी नहीं था। इस टाइम मैं पढ़ कर आई थी तो थोड़ा लगा कि हाँ। ऑनलाइन पढ़ाई की थी? ऑफलाइन पढ़ाई की? ऑनलाइन किए थे। ऑनलाइन वाले जो पढ़ाते हैं वो मैच कर रहे हैं कुछ टैली करते हैं? कुछ कुछ मैच किया। द ऑफिसर एकेडमी से क्लास ली थी उसके बाद। चलिए और कैसा रहा भाई एग्जाम? कैसा रहा? अच्छा है एग्जाम। एक मिनट थोड़ा साइड हो जाए। कितना अटेम्प्ट किया आपने? 70। 78? 70 से। 70 जी। फर्स्ट अटेम्प्ट मेरा एग्जाम इस बार। फर्स्ट अटेम्प्ट। आइए और लोगों से बात करते हैं। कैसा रहा भाई एग्जाम? जबरदस्त। जबरदस्त बता रहे हैं। कितना अटेम्प्ट कर लिए? हम लगभग 80। 80 अटेम्प्ट जी। प्रयास कौन सा था आपका? कौन सा अटेम्प्ट? पहला। पहला। पिछली बार का पेपर देखे होंगे प्रीवियस ईयर का, उसके कंपैरिजन में लेवल कैसा? इजी इजी इजी।
इस बार का लेवल कैसा है, क्या कह सकते हैं? इजी, मॉडरेट, मॉडरेट टू हार्ड, हार्ड क्या? मॉडरेट, मॉडरेट क्या? मॉडरेट इसमें रीजनिंग, रीजनिंग कहाँ से प्रश्न आ रहे हैं, कौन कौन से टॉपिक से आपको मॉडरेट लगा कि यहाँ फंसाने वाला प्रश्न? फंसाने वाला नहीं था, इजी था रीजनिंग, थोड़ा मैथ में। जीके का बताइए, जीके बड़ा कंफ्यूजिंग रहता है एसएससी में। जी तो जीके लगभग ठीक था। ठीक उस था वो बनाए, जीके में कितने बने? जीके में लगभग 15। चलिए तो देखिए, आज दूसरे दिन का एग्जाम था, पहले शिफ्ट का यानी कि 10 सितंबर का, और बाकी क्या कुछ बता रहे थे छात्र, आप लोगों ने सुना, क्या एनालिसिस दे रहे थे, तो प्रश्नों का लेवल कैसा रह रहा है, इजी रह रहा है, मॉडरेट, हार्ड, क्या कुछ रह रहा है छात्रों ने बताया। बाकी आप क्या कुछ सोच रहे, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। गुड, मिलेंगे आपसे बहुत जल्द ऑन ड्यूटी पर। जय।